श्री शिवाई नमस्तुभ्यम दर्शकों, जय महाकाल। देखिए आज तारीख है 3 मार्च और दिन रविवार, साथ ही आज सप्तमी तिथि पड़ रही है। देखिए आज रविवार का दिन है, ऐसे में आज रविवार के दिन के लिए आप सभी को रात्रि के समय एक गुड़ और एक लोटे जल का ये छोटा सा उपाय सभी को करना है। देखिए पूज्य गुरुदेव ने अपनी कोटा वाली शिव महापुराण कथा में इस उपाय का वर्णन किया था। अगर आपके जीवन में बहुत सारे कष्ट आ रहे हैं, आपका कोई भी कार्य बिल्कुल नहीं बन रहा है, किसी भी कार्य के लिए आप लगातार मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन आपको उस मेहनत से कोई लाभ नहीं मिल रहा है, आपको कोई व्यापार नहीं मिल रहा है, आप व्यापार करते तो हैं परंतु आपका व्यापार ठीक से नहीं चल रहा है, तो ऐसे में देखिए पूज्य गुरुदेव ने अपनी कोटा वाली शिव महापुराण कथा में इस रविवार तिथि का वर्णन किया है, रविवार तिथि के उपाय का वर्णन किया है। और मैं आप लोगों को आज पूज्य गुरुदेव के द्वारा बताए गए इस छोटे से दिव्य और अचूक उपाय को बताऊंगा। देखिए इस उपाय को किस प्रकार से करना है, किस तरह से करना है, संपूर्ण जानकारी आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगा। और पूज्य गुरुदेव ने भी इस उपाय को अपनी कथा में बताया है और उसी उपाय को मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। देखिये इस उपाय को किस प्रकार से करना है, किस तरह से करना है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले बस मेरा आपसे एक ही निवेदन है, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। देखें आज रविवार का दिन है, अब आप सभी को तो पता है कि रविवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। इस रविवार तिथि या फिर कोई भी रविवार तिथि हो, यह रविवार तिथि भगवान सूर्यदेव को समर्पित होती है। रविवार के दिन भगवान सूर्यदेव की पूजा आराधना करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही कहते हैं कि रविवार तिथि को कुछ दिव्य और अचूक उपाय भी करने से कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है, जिससे मनुष्य का भाग्य उदय होता है। देखिए इसी प्रकार आज मैं आप लोगों को इस रविवार तिथि का एक दिव्य और अचूक उपाय बताऊंगा। वीडियो को अंत तक देखते रहिए, बहुत ही कारगरी उपाय है, आपको इस उपाय को पूरी विधि के साथ करना है। देखिए पूज्य गुरुदेव भी अपनी कथा में कहते हैं कि जब हम किसी भी उपाय को पूर्ण विधि के अनुसार नहीं करते हैं और विधि के अनुसार नहीं करते हैं तो उससे हमें जो उस उपाय का लाभ मिलना होता है वो लाभ हमें नहीं मिलता है। और अक्सर हमारी वीडियोस पर कमेंट आते रहते हैं, कई लोग बोलते हैं कि गुरुजी हमारे जो आपने हमें उपाय बताया था उस उपाय का लाभ हमें तुरंत मिला, और कई लोगों के कमेंट आते हैं कि गुरुजी आपने जो हमें उपाय बताया था उसका हमें लाभ नहीं मिला। तो देखिए इसका यही कारण है, कई लोग क्या करते हैं कि वीडियो को पूरा देखते हैं और जो वीडियो में विधिवत उपाय को किए जाने के बारे में बताते हैं हम, उसी तरीके से वे लोग उपाय करते हैं तो उन्हें लाभ भी मिलता है। अब कई लोग ऐसे हैं जो वीडियो को पूरा नहीं देखते और फिर उस उपाय को पूरी विधि के अनुसार नहीं करते तो उन्हें जो उस उपाय से लाभ होता है वो बिल्कुल नहीं मिलता और वो लाभहीन ही रह जाते हैं। देखिए इसलिए मैं बार बार आपको हर वीडियो में बोलता हूं कि वीडियो को अंत तक और पूरा देखें, विधि के अनुसार किस प्रकार से करना है संपूर्ण जानकारी प्राप्त करें। देखिए अब इस उपाय को किस प्रकार से करना है तो ध्यान से सुनिएगा। मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि अगर इस उपाय को आज आप 3 मार्च रविवार तिथि और सप्तमी तिथि पर कर रहे हैं तो आप लोगों को इस उपाय को आज रात्रि में सोते समय करना है। देखिये इस उपाय को करने से पहले आप लोगों को एक पीतल का लोटा ले लेना है। पीतल का लोटा लेने के बाद भी आपको उस पीतल के लोटे में जल भर लेना है। ध्यान से सुनिएगा, पीतल के लोटे में जल भर लेना है। उसके बाद आपको गुड़ का 2 टुकड़े लेने हैं। ध्यान से सुनिए, गुड़ के 2 टुकड़े आपको लेने हैं और गुड़ के दोनों टुकड़ों को उस जल के लोटे में डाल देना है। इतना हो गया। उसके बाद में जो लोटा है, गुड़ से मिश्रित जो जल है, उस जल को आप आज रात्रि में सोने से पहले अपने तकिए अपने सिरहाने के पास रखें। देखिए इससे क्या होगा कि इससे आपके कुंडली में सूर्य की स्थिति तो मजबूत होगी ही होगी और आपकी कुंडली में चंद्र की स्थिति भी मजबूत होगी। ठीक है, अब सुबह जल्दी उठते ही यानी कि दूसरे दिन सुबह जल्दी उठते ही उस गुड़ के मिश्रित जल को आपको स्नान करने के बाद भगवान सूर्य देव को अर्पित करना है। देखिए बहुत ही कारगर उपाय है, रात्रि में गुड़ से मिश्रित जल को अपनी सिराहाने पर रखकर सोना है, सुबह जल्दी उठकर स्नान कर भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करना है। देखिए बहुत ही कारगर उपाय है, बहुत ही सुंदर उपाय है, आप सभी एक बार जरूर कर देखेगा, आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। मैं आशा करता हूं कि आपका हर दिन शुभ और मंगल हो। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, धन्यवाद।